नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर पुलिस ने गत दिनों हुई नर्स की हत्या के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए हुई थी मुलाकात। जालंधर पुलिस ने स्नैचिंग के दौरान हुई महिला की मौत के मामले को किया हल। दो आरोपियों को किया काबू। स्पेशल टास्क फोर्स ने जेल में नशा सप्लाई करने वाले एक सरकारी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के एक अस्पताल के हॉस्टल में गत दिनों नर्स बलजिंदर कौर की हत्या के मामले को हल करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब रहे कि नर्स बलजिंदर कौर निवासी गांव जोधे थाना ब्यास जिला अमृतसर, जो कि लगभग 13 वर्षों से ग्रीन मॉडल टाउन के संघा चौक के नज़दीक परलाई अस्पताल में बतौर नर्स ड्यूटी कर रही थी। वह अपनी दोस्त ज्योति परमार के साथ अस्पताल की छत पर रात के समय सोई हुई थी। इस दौरान अस्पताल की दीवार लांग कर छत पर चढ़कर एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से बलजिंदर कौर की तेज धार हथियारों से हत्या कर दी गई थी, जबकि ज्योति परमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरशरण सिंह संधू ने बताया कि इस हत्या के मामले को हल करते हुए 34 वर्षीय एक आरोपी को काबू किया गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सतगुरु सिंह निवासी गांव टिब्बी थाना अमलोह जिला फतेहगढ़ के तौर पर हुई है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बलजिंदर कौर के साथ पिछले 4 महीनों से सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ा हुआ था और उसके साथ विवाह करवाना चाहता था, लेकिन पिछले थोड़े दिनों में ही इनकी आपस में अनबन हो गई थी और वह इसी गुस्से के कारण अपने गांव से ट्रेन के द्वारा इस घटना को अंजाम देने के लिए जालंधर आया और अस्पताल की दीवार लांग कर वह अंदर दाखिल हुआ और उसने तैश में आकर बलजिंदर कौर की हत्या कर दी, जबकि मृतका की सहेली द्वारा इसका विरोध करने पर उस पर वार कर वह वहां से फरार हो गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हां, इन्हां दी एक दूजे नाल फेसबुक ते चैटिंग, एक दूजे नाल इंट्रोडक्शन जड़ी हैगी आ, एह मोबाइल लाइव है। बहुत पुराना नहीं, 4 महीने पुराना। ज्योति ने मजामत की थी। चाकू जो रिकवर हो गया छुटिया सिक्योरिटी का पता नहीं, क्योंकि यह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कैमराज लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज जो अपने आप बड़ा पोटेंट सिक्योरिटी फीचर है, जिसे तो डेटरेंस क्रिएट होती है और जालंधर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 अगस्त को स्नैचिंग की घटना के दौरान मोटरसाइकिल से गिरकर सिर में चोट लगने के कारण महिला की मौत के मामले को हल करते हुए दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरशरण सिंह संधू ने बताया कि गांव बंडाला निवासी जोगिंदर सिंह अपनी माता गुरबख्श कौर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जालंधर की तरफ किसी रिश्तेदार को मिलने आ रहा था कि इस दौरान थाबलका पुली के नज़दीक दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने जोगिंदर सिंह की माता के कान में डाली सोने की बालियां छीन ली और जाते समय जोगिंदर सिंह के मोटरसाइकिल को लात मार दी, जिस कारण जोगिंदर सिंह का मोटरसाइकिल डगमगा कर गिर गया और उसकी माता भी सड़क पर गिर गई, जिस कारण गुरबख्श कौर के सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद ही डीसीपी जसकरणजीत सिंह तेजा और सीआईए स्टाफ की पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल ढंग से इस मामले को ट्रेस कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है।
फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक मोटरसाइकिल सवार आकाश साल की लेडी दी डेथ हो गई। गुरप्रताप सिंह नाल मोटरसाइकिल से सवार होके अपने पिंड तो जलंधर कैंटवाल आ रही थी कि रस्ते दे विच दीआं वालीआं टप्प मार के खून खो लईआं, जिस करके वह लेडी सड़क के नीचे गिर गई और सिर पर सट लगन के ना उस जिसने बाद दे विच मोटरसाइकिल उठा के अपनी माता हस्पताल दे विच इलाज वास्ते फगवाड़े दाखिल कराया, जिथे उसनों ब्रॉड डेड डिकलेयर किया गया। सो ये और असी अपनी सारी मशीनरी एकदम अमल दे विच लियांदी। इस दौरान सी आई ए स्टाफ और ताकि दोषियों की जंगी पद्धर से भाल की जा सके, और इस दे विच भी सानू दोनों दोषियों को फड़न दे विच और ये पहला भी इस तरह की वारदातों के विच मुलव्वज़ रहे हैं। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत स्पेशल टास्क फोर्स ने सरकारी डॉक्टर शशि भूषण को जेल में नशा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो कि जेल के अंदर कैदियों को नशा सप्लाई करने का कारोबार कर रहा था। स्पेशल टास्क फोर्स फिरोजपुर रेंज के AIG संदीप शर्मा ने बताया कि डॉक्टर शशि भूषण को जेल में नशा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8 ग्राम हेरोइन, 14 लाइटर और प्रयोग किया गया सिल्वर पेपर और आधे जले हुए 10 रुपए वाले नोट बरामद करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शशि भूषण 2021 से फिरोजपुर जेल में सरकारी अस्पताल में तैनात है। उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर खुद भी नशा करने का आदी है। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर अर्शदीप उर्फ अर्शी, गैंगस्टर सन्नी प्रभाकर और मामा नाम के आदमियों के सहयोग से यह नशे की सप्लाई काफ़ी समय से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर शशि भूषण का नाम है और ये MBBS डॉक्टर है। 7-8 महीने तो ये फिरोजपुर जेल के उतों डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है, और जिन्हों सू इनफॉर्मेशन मिली ये पता लग्या भी खुद भी ड्रग लेंदा है, और जेल के हौली हौली इन्हें अपना जोड़ा है एक नेटवर्क बनाना शुरू करता। तीन चार बंदे जोड़े है इन्हें नाल ला ले, और उत्थे ड्रग वाले बंदे भी होंगे है और जोड़े ड्रग नहीं ले रहे वो भी होंगे है। इन्हें की करना कि जो ड्रग लेने वाले है उन्होंने मेडिसिन के बहाने कदे नशे की गोली दे देनी या किसी ड्रिप च दे देना, या इन्हें की करना कि अड्ड तरीके वरतने वो जोड़ा कोई नशा सीगा वो पेस्ट के ढक्कड़ दे देना। इस तरीके की मोटरसाइकिल सी, क्योंकि डॉक्टर एक बड़ा रिस्पैक्ट होता है और मेडिसिन बारे आम तौर पर जेल के स्टाफ को तो पता नहीं होता, इस करके जोड़ा जेल स्टाफ है इनकी तलाशी वेले थोड़ा लीनेट भी रखता है, ਜਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ। विशेष CBI अदालत में 3 दशक पुराने झूठे पुलिस मुकाबले के केस में पंजाब पुलिस के पूर्व DSP कृष्ण सिंह और पूर्व सब इंस्पेक्टर तरसेम सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा 3 पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के वकील सरबजीत सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर 1992 को पुलिस ने अमृतसर जिले से संबंधित 3 सिख नौजवान साहिब सिंह, दलबीर सिंह और बलविंदर सिंह को झूठे पुलिस मुकाबले में मार दिया था। साहिब सिंह के पिता काहन सिंह की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी थी। इस केस की सुनवाई मोहाली में विशेष CBI अदालत में चल रही थी, जिसके बाद अब माननीय अदालत ने 30 साल पुराने इस झूठे मामले में आरोपी पूर्व DSP और पूर्व सब इंस्पेक्टर को ये सजा सुनाई है। इस दौरान केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट जगजीत सिंह बाजवा ने बताया कि लगभग इस केस को जीतने के लिए 30 साल का समय लगा, और इस केस को बंद करवाने के लिए दोषियों की ओर से लगातार पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार के हौसले के चलते वह ये केस जीत पाए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी मेरा नाम शमशेर सिंह जी, मेरा चाचा जी बलविंदर सिंह जी,
ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਐੱਮ ਪੀ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਥਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਲਕਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਣ ਹੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਪੀ ਡੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਡੀਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰ AICC ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਪੂਰਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਿਆਲਯ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਏਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਪਰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਆਸ਼ੂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਡੁਬੋਨੇ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜੰਮ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਵਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣੇ ਕੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਅਰੁਣ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੱਲ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਏ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਯੇ ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕਰਕਰ ਪਬਲਿਕ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਜਨ ਟੈਕਟਿਸ ਕੇ ਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਚਾਰੋ ਕੇ ਕੀਆ ਵਾ ਉਸਮੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਚਾਰੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਖੜੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੱਸੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੋ ਕਾਲਡ PA ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ PA ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ PA ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਇਹ PA ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ GNA ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਕੇ ਡੀਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਯ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਓਂ ਔਰ ਬੀਮੇ ਕੇ ਸਾਥ MBA ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਛਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੇਤਨ ਸੇ ਫੀਸ ਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸਕਸ਼ਮ ਹੋਤੇ ਹੈ।
इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंजाब क्षेत्र के प्रीमियम यूनिवर्सिटी में से ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए जानी जाती है। उनके विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना और पंजाब क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जालंधर से कैमरामैन दविंदर के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यही है कि हम इस क्षेत्र के अंदर, इस रीजन के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो कि अभी उन्होंने प्लस टू पास करी है, अपनी ग्रेजुएशन पास करी है और जो अब वो उच्च शिक्षा की ओर जाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल हैं। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया है कि उन्हें ये स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम करना है, परस्यू करना है इन फ्यूचर, तो उनके पास में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एज वेल एज एब्रोड। जो प्राइम पर्पस है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मदद करिए इन प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए। हम इन सभी स्टूडेंट्स से, इनके पेरेंट्स से ये भी अनुरोध करेंगे कि एक बार वो GNA यूनिवर्सिटी को विजिट करें, एक बार वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स से यहाँ पे मिलें, एक बार वो हमारे यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, एक बार उसको वो विजिट करें। जालंधर के DC कार्यालय के बाहर IMA और नर्सिंग स्टाफ की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए IMA के सदस्य डॉक्टर नवजोत दहिया ने बताया कि उन्होंने आज तक कहीं भी नहीं सुना कि किसी भी डॉक्टर पर इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ हो। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं जो कि डॉक्टर जोहल पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ विधायक को खुश करने के लिए जल्दबाजी में किया गया है। अगर मरीज के परिजनों को इलाज संबंधी कोई शिकायत है तो सिविल अस्पताल में शिकायत दें और दोषी पाए जाने के बाद मामला दर्ज किया जाए, पर SC ST एक्ट का पर्चा बेबुनियाद दर्ज किया गया है। गौरतलब रहे कि गत दिनों जालंधर के जोहल अस्पताल पर जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल द्वारा अस्पताल के खिलाफ गंभीर इल्ज़ाम लगाकर डॉक्टर बलविंदर सिंह जोहल के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद IMA और नर्सिंग स्टाफ उनके हक में उतर आए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी द्वारा जालंधर कैंट के अंतर्गत आते दीपनगर में आपके युवा नेता मोंटू सब्रवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला गया। वहीं कार्यालय के उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से पंजाब सचिव राजविंदर कौर, स्टेट प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स विंग जालंधर कैंट इंचार्ज सुरेंद्र सिंह सोडी ने कार्यालय का उद्घाटन एक आम महिला से करवाया और कहा कि उनकी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, इसलिए उन्होंने एक महिला के हाथों कार्यालय की ओपनिंग करवाकर यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की ही पार्टी है। उनके साथ कैंट लोकसभा इंचार्ज मंगल सिंह, हरिंदर सिंह पप्पू, जिला प्रधान शहर अमृतपाल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग पंजाब गुरविंदर सिंह गिंदा, आत्म प्रकाश बबलू, ज्वाइंट सचिव प्रकाश पंजाब सतीश कुमार कक्कड़, दीपक शर्मा, सन्नी नाहर, बॉबी गर्ग, लक्की शर्मा, चांद शर्मा, राजेश कुमार, संजू चौहान, विक्की चौहान, हरमन इत्यादि भी मौजूद रहे। अंत में मोंटू सब्रवाल ने आए हुए सभी विशेष अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद भी किया और कहा कि क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे इस कार्यालय में आकर अपनी समस्याओं को हल करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यालय में हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाला जाएगा। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। ये अज का विशा कोई स्पैशल विशा नहीं था, ये तो कंटीन्यूअसली देखा होना है कि साढ़े दफ्तर बहुत सारे वार्डों के खुले आ। नंबर एक तो जड़िया इलैक्शन आ रही कारपोरेशन दी इलैक्शन आ रही इन्हों दफ्तर का होना बहुत जरूरी है। इदा के होर भी दफ्तर इतने खुल सकते हैं ता कि लोगों के नाल नेड़े का राबता साडा बन जाए ते उहदे विच सानू कोई आसानी हो जाए, क्योंकि जिन्ना चिर लोगों के नाल साडा राबता नहीं गा ते जिहड़ा कोई भी काम करना वो बड़ा असंभव हो जाता। अज जो कैंट दे विच मोंटू सब्रवाल जी ते उन्हां दी पूरी टीम वालों ये जो उपराला करके ये जिहड़ा दफ्तर खोलिया गया, मैं उस दफ्तर दियां साडे कैंट हल्के दे इंचार्ज
स्पोर्ट्स विंग के पंजाब के प्रेजीडेंट सुरेंद्र सिंह सोढ़ी जी तो मोंटू सभरवाल जी की पूरी टीम नू बहुत बहुत बधाइया दिनी कि जिहड़ा इन्होंने अज उपराला किया क्योंकि कारपोरेशन इलैक्शन जिहड़ियां वो आ रही हैं वो संबंध के सानू ये जिहड़े दफ्तर आ ये खोलने पैणगे क्योंकि लोगों के जिहड़े काम आ वो इस दफ्तर तो होणगे ते लोगों के जिहड़े रहिंदे काम आ वो सोढ़ी साहब का घर दूर होण करके वो इस दफ्तर च अपना काम लैके आउणगे इस दफ्तर तो फिर जिहड़ी टीम होगी वो फिर सोढ़ी साहब तक इस काम नू पहुँचाऊगी ते सोढ़ी साहब ये काम करनगे। अज दीपनगर दे विच आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुलिया उसके लिए अपने सारे आए मेहमानों का मैं धन्यवाद करदा जी जो राजविंदर कौर मैडम जी सुरिंदर सिंह सोढ़ी जी सारे अपने अहदेदार सारे धन्यवाद करदा तो असी आम आदमी पार्टी का ऑफिस जो खोलिया इतने जो लोगों को प्रॉब्लम है किसी भी छोटी प्रॉब्लम है या वड्डी प्रॉब्लम है वह सड़कों आ सकता है जो भी काम होएगा असी जल्दी तो जल्द काम करवा के देवांगे। जय हिंद जय भारत जो कि अज साडे छोटा भरा मोंटू उहदे दफ्तर की ओपनिंग जी साडे वड्डे भैण जी राजविंदर कौर जी और सोढ़ी साहब ने सारी टीम ने आके इत्थे कीती है। अज असी इनू इस मौके उपर लख लख वधाई देने और सानू पता लगा कि अज जन्मदिन भी है इनू जन्मदिन दियां बहुत बहुत वधाइयां। गऊ माता पर चल रही भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति जालंधर की टीम ने एक सराहनीय कदम उठाया जिसके चलते समिति के प्रधान राजकुमार शर्मा, चेयरमैन गुरुदत्त शिंगारी, उप प्रधान राम नरेश अग्रवाल, उप चेयरमैन वरिंद्र महेंद्रू, कोषाध्यक्ष अरुण कोहली, सदस्य जतेंद्र चोपड़ा, अविनाश कुमार, राजेश अग्रवाल, भूषण कोहली, राजन शारदा, सुजीत शर्मा एवं सोनू बसी ने 51,000 के चेक गौशाला श्री देवी तालाब मंदिर के राजेश विज, गौशाला टांडा रोड पिंजरा पोल के रविंदर कक्कड़ एवं गौशाला अपाहिज आश्रम के तरसेम कपूर को दिए। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति जालंधर की टीम ने कहा कि यह सहयोग राशि श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति जालंधर की टीम ने गौ माता की सेहत ठीक रहे और बीमारी खत्म हो इसके लिए दी गई है। इस अवसर पर मेयर के ओएसटी हरप्रीत वालिया, विनय महाजन, जॉनी भल्ला, प्रकाश चंद शर्मा, मोहित कुमार, राजीव शर्मा सहित श्री देवी तालाब मंदिर के चौकी इंचार्ज सोडी लाल मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज बहुत खुशी का दिन है साडे को सारी राधे कृष्ण गौ सेवा समिति के सारे सदस्य जिले प्रधान साडे आदरणीय राजकुमार जी है और गुरु शिंगारी जी है और मैं जो चेयरमैन साहब मिंदू साहब है और जो मैं किसी का नाम लै ना लैं तो क्षमा जाचेगा इन्होंने मंदिर वाली गौशाला 51,000 रुपया गौं की सेवा वास्ते दिता। मैं देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों ये सारी समिति का लख लख धन्यवाद करता जिन्होंने इन्हों अपना सारे ने रल के गौ माता बारे सोचा और गौ माता की सेवा सब तो उत्तम सेवा है। साढ़े धर्म से लिखा है गौं जो कि साढ़े सारे देवा देव देव वसते हैं इस पिछे मैं एक बार फिर अपने वालों मंदिर कमेटी वालों के सारे सदस्य और सेवादारों को लख लख धन्यवाद करता हूँ। गौशाला पिंजरा पोल में दिता उन्होंने मैं सदस्य होने और अपना रवि कक्कड़ जी वालों जो साढ़े प्रधान हैं उन्होंने वालों भी इन समिति का लख लख धन्यवाद करते जिन्होंने इन सेवा की। जय माता दी। अज श्री राधा गौ राधा कृष्ण गौ सेवा समिति ने 51,000 रुपये का चैक जोड़ा है अपाहज आश्रम दिता है गुरुदत्त शिंगारी जी उन्होंने नाल अज साढ़े बहुत मेहरबानी की राजेश विज जी ने जोड़े जनरल सैकटरी है देवी दला मंदिर कमेटी ने उन्होंने भूषण कोहली जी, शारदा जी, शर्मा जी, महेंद्रू साहब होर उन्होंने साथी जोड़े आए हैं मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इन्होंने ये भी दसिया कि असी इस पहला जोड़ा है एक चैक देवी दला गौशाला भी दे के आए हैं और ये जोड़ा उपराला वै ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और अज के समय से गुरु जी जोड़ा गऊ जी माता की सेवा है ना जी एक बीमारी चली है जिदा कोरोना की बीमारी है वह चली हुई है जी ये सेवा वै ये महाराणी ने गऊ माता ने बहुत थोड़ी जुम्मेवारी लाई है और महाराणी थोड़ी संस्था में इस ज़्यादा तरक्की देवे। धन्यवाद। असी श्री राधे कृष्णा गऊ सेवा सोसायटी जेडे साडे चेयरमैन ने गुरुदत्त शिंगारी जी, महेंद्रू साहब, कुमार साहब, राम नरेश जी, राजन शारदा जी, कोहली साहब, जतेंद्र चोपड़ा जी सारे असी पिछे थोड़े पैसे कट्ठे करके जमा किए थे गऊ की सेवा करने अज जिदा के दसिया के बीमारी फैली हुई है और दूसरे कामों भी असी
जिहड़ा अज देवी तला मंदिर गऊ सेवा कमेटी नू और इधर अपाहज आश्रम और दूसरा गऊशाला पिंजरा पोल तीन चैक असी जिहड़े ने 51,000 दे अज दिते है गऊ दी गऊ माता दी सेवा च। मैं परमात्मा अगे यही गऊ माता अगे अरदास करूँगा कि सारे साडे मैंबरां नू चढ़दी कला बख्शे और इदां ही साडे मैंबरां दे विच जिहड़ा आ उह सद्भावना दी सेवा दी भावना बनाई रखे होर अगों जो परमात्मा मेहर करूँगा असी अपनी सोसायटी दे विच करके सेवा करांगे। अज श्री राधा किशन गऊ सेवा समिति दे सारे सदस्यां ने इकट्ठे हो के गौ माता दी सेवा दे उपलक्ष्य श्री देवी तला मंदिर गौशाला 51,000 दा चक पिंजरा पोल टांडा चौंक की गौशाला 51,000 दा चक ते अपाज आश्रम दी गौशाला 51,000 दा चक दिता। मैं हमेशा ये चाहना कि असी सारे रल के इस तरह ही गौ माता दी सेवा करते रहिए और सानू महामाई बल बख्शे अच्छा कमाई की योजना बनाई रखे ताकि असी सारे जने रल के इस तरह गौ माता की अगों भी थोड़ी थोड़ी सेवा करती रही है। 31 अगस्त से शुरू होने जा रहे श्री गणेश उत्सव की तैयारियां लोगों द्वारा जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता इस बार शुभ संयोग में आएंगे। लगातार 10 दिनों तक होने वाली भगवान श्री गणेश जी की उपासना की शुरुआत में रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। जय श्री गणेशा जी। सारे शहर वासियों को गणेश चतुर्थी जिहड़ी कि इस वारी 31 अगस्त को आ रही है, सारिआं नूं उहदे लई बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। जिवें कि तुहानूं पता है सेवक तू फैक्टरी जग्गू चौंक स्थित हर साल की तरह इस साल भी ईको फ्रेंडली मूर्तियां गणेश जी के भगतों वास्ते उपलब्ध करवा के रखियां ने। इस वारी साडे कोल गणेश जी की स्पैशल ईको फ्रेंडली की मूर्ति आई है जिहड़ा कि लोग घर विच भी विसर्जित कर सकते हैं, जिवें कि गमले दे विच लोग पौधे दे विच करदे आ जां कई लोग ब्याह सतलुज भी जांदे च बड़े बड़े साइज भी आंदे ने। इह साडे कोल सारे ईको फ्रेंडली दे विच आ। इसी को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज चुके हैं। गणेश उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए सेवक धूप फैक्ट्री के श्री राम शर्मा ने बताया कि 31 अगस्त को उदय तिथि होने के चलते श्री गणेश चतुर्थी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा और उनकी दुकान पर भी इस उत्सव से संबंधित हर प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मौके पर उनके बेटे ने बताया कि उनके पास इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों के अलावा 4 इंच से लेकर 48 इंच यानी 4 फुट तक की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। ये मूर्तियाँ बिना रंग के और बहुत सारे सुंदर रंगों में भी उपलब्ध हैं जिन पर जरी और स्टोन वर्क किया गया है। इसके अलावा गणपति जी के सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ साथ सजावट का सामान सुगंधित धूप अगरबत्तियाँ भी उपलब्ध हैं। इस दौरान उन्होंने सभी शहरवासियों को गणपति उत्सव की बधाई दी। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। सारे शहरवासियों आने वाली गणेश चतुर्थी 31 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जिवें कि तुहानू पता है हर साल की तरह सेवक तू फैक्टरी की दुकान पर ईको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां जिहड़ा कि गणेश भगतों वास्ते उपलब्ध करवाइया जांदियां ने, इस वारी भी साडे कोल बहुत तरह तरह की मूर्तियां आईयां ने। मूर्ति साडे कोल 4 इंच तो लैके 48 इंच यानी 4 फुट तक साडे कोल मूर्तियां अवेलेबल है, जिहदे विच कलर्ड वाली, विदाउट कलर्ड, प्लस कलर्ड के उपर जरी का कम होया होया, उन्हां उत्ते स्टोन वर्क होया होया, लोगों की मतलब कि खासा उहदे विच रुचि बनी हुई है ते साडे कोल लोग बहुत ही खरीदारी करके जा रहे। लोग पहला साडे कोल बुक करवा जांदे मूर्तियां, फिर 31 या 30 अगस्त नूं लोग घर लैके जांदे ने ते 31 अगस्त गणेश चतुर्थी दिन लोग घर अपने स्थापित करदे ने। कई लोग 3 दिन 5 दिन 7 दिन इदां करके लोग विसर्जित दा टाइम रखदे ने। उस तों बाद लोग इहनूं घर दे विच अपने पौधे दे विच अपने गमले विच घर दे जां लोग कई लोग ब्याह सतलुज भी जांदे आ प्रवाहित करन मूर्तियां जल प्रवाह करन जांदे ने। तो साढ़े को बहुत तरह की मूर्तियां अवेलेबल है, उन्होंने डेकोरेशन का समान जिमें कि लड़ियाँ डिकोर वास्ते उन्होंने साढ़े को इतर आते हैं, रूम फ्रैशनर वास्ते धूप अगरबत्ती, उन्होंने ड्रैसा, उन्होंने परने पटके,
होर जिहड़ा जिहड़ा पूजा समान लगता जिवें कि लौंग इलायची सुपारी मुश्कपुर आरती वास्ते गणेश जी दा साडे कोल हर एक चीज़ अवेलेबल। पंजाब के प्रसिद्ध गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेसियों की ओर से जंडियाला गुरु में एक कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं प्रसिद्ध गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला के हुए कत्लकांड का उसके परिवार को आज तक इंसाफ ना मिलने पर जंडियाला गुरु में चेयरमैन जगजीत सिंह जोगी, जोगा सिंह सरपंच, इंद्रजीत सिंह रायपुर सरपंच, सरबजीत सिंह सोनू की अगुवाई में यह कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के वर्करों ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता की ओर से कॉल दी गई थी कि पंजाब में कैंडल मार्च निकाले जाएं, ताकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार नाटक कर रही है उसे इस कैंडल मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब में धड़ल्ले से नशा बिक रहा है और गैंगस्टर सरेआम गोलियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए यह मार्च निकाला गया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब की जवानी है जी, अज सरकार बेवकूफियां कारण जो पंजाब के नौजवान गुंडिया की बली चढ़ रहे हैं, सब तो पहला साढ़े पंजाब की सोच मारती दीप सिद्धू, फिर साड़ी मां खेड कबड्डी मारती संदीप अंबियां नंगल, फिर साड़ी एडी सोहनी कलम पंजाब की मारती सिद्धू मूसेवाला। अज सारा पंजाब ही सुख के विच आ, उन्हां दे माता पिता के आदेशों से असी अज जो कैंडल मार्च कर रहे हैं जंडियाला गुरु के विच, ते पूरे देश दे विच ही सारे ही उन्होंने चाहन वाले वक् वक् जगह पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो गूंगी बोली सरकार को यह सदा देना दस देना चाहते हैं कि वो इन्हां गुंडियां नूं नत्थ पावे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा कैलाश नगर चौक नज़दीक शिवपुरी में आयोजित 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा दौरान साध्वी तृप्ता भारती ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी की कथा मानव जाति को सुख समृद्धि व आनंद देने वाली है। वहीं कार्यक्रम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ज्योति प्रज्वलित की। इसके अलावा संगला वाला शिवाला के महंत नारायणपुरी, विधायक दलजीत सिंह भोला गरेवाल, पंजाब भाजपा उप प्रधान प्रवीण बांसल, एसएस जैन गर्ल्स स्कूल कमेटी के प्रधान आनंद कुमार जैन, श्रमण जैन स्वीट्स के विपिन जैन, वरिष्ठ अकाली नेता कमल चेतली, पार्षद पति विपन विनायक, भाजपा नेता नीरज वर्मा, श्री शिव शक्ति भक्त मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट के किदवई नगर के चेयरमैन सुदर्शन गोसाई, महासचिव हर नारायण गर्ग, लक्ष्मी नारायण गोयल, जिला भाजपा उप प्रधान महेश दत्त शर्मा, सुनील मोदगिल, श्री रामलीला कमेटी दरेसी के दिनेश मरवाहा, कमल बस्सी, मोहित जैन, जतेंद्र जैन, पार्षद मनप्रीत गरेवाल, पंजाब भाजपा एससी सेल प्रभारी राजेंद्र खत्री, मलकीत चंद जनागल इत्यादि विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं कथा प्रसंग में साध्वी जी ने भक्त रस खान के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि भक्त रस खान महान कृष्ण भक्त हुए हैं, तो वहीं कार्यक्रम में यजमान पूजन वैभव बांसल, आशीष बांसल, विपन जैद का महावीर मोदी ने परिवार सहित किया। साध्वी सद्या भारती, ऋचा भारती एवं वीणा भारती ने सुमधुर भजनों के गायन से उपस्थित भगवत प्रेमियों को आनंद विभोर किया। कथा का समापन विधिवत प्रभु की आरती से किया गया। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। बोलिए श्री अपने रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, श्री शत्रु भगवान की। प्रभु भक्तों, आप सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा की आज द्वितीय अस्थायिका को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें परम वंदनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष जी महाराज, उनकी परम शिष्य कथा व्यास साध्वी त्रिपदा भारती जी के माध्यम से आप प्रभु की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जीवन लीलाएं, जो जो भक्त उनकी भक्ति में डूब कर उनके रंग में रंग गए, उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया, उन भक्तों की लीलाओं को भी आप साथ श्रवण करें।
साथ ही साथ प्रभु की जीवन लीलाओं के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं, जिसके द्वारा, जिसको समझकर, जिनको जानकर हम सब अपना जीवन सार्थक कर पाए, अपने जीवन में उस प्रभु का साक्षात दर्शन कर पाए, ऐसा ज्ञान आप इस पावन कथा में श्रवण कर रहे हैं। श्री शीतल विज जी जो कि संपादक है दैनिक सवेरा से, ये स्पेशल जलंधर से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, जो कि स्पेशल कार्यक्रम में आज प्रभु के चरणों में हाजिरी लगवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम संस्थान की ओर से इनका हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करते हैं। कन्हैया को माथा तो मिला, लेकिन मैं खुद ही बहुत उड़ी। मैं अपने सभी मित्रों को मिलकर के कहती हूं, गोपियां बहुत चतुर हैं, थोड़ा सा माथा देती हैं और इतना नृत्य करवा कोई कैसे मिलेगा माथा। तो कन्हैया कहने लगे, अरे एक बहुत उपयुक्त युक्ति है मेरे पास, आओ इधर बताता हूँ। सभी पास आ गए। कन्हैया कहने लगे, अब हम मांगेंगे नहीं, जब हम गोकुल के राजा हैं तो राजा अपने राज्य में कहीं से भी कुछ भी ले सकता है, इसलिए हम तो राजा हैं, इसलिए अब हम मांगेंगे नहीं, हम तो सभी के घरों में घुसेंगे और अपनी इच्छा से माफ़ खाएंगे। बाल सखा कहने लगे, कहने का भाव तुम चोरी करने की ठान रही हो। तो कन्हैया कहने लगे, हाँ बिल्कुल, अरे अपने गाँव में अपने घरों में अगर कुछ उठाकर खा लिया उसे चोरी थोड़ी ना करें। बाल सखा कहने लगे, कन्हैया ये सही बात नहीं है। तो कन्हैया कहने लगे, देखो मेरी मंडली में शामिल होना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, अब इन गोपियों को तो मैं सबक सिखा कर रहा। कन्हैया ने तो ठान ली कि अब इनके घरों से माखन की चोरी होगी, अब मैं सभी का माखन खाऊंगा। और जैसे ऐसा कहा सभी सखा। अब पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू की भतीजी जानवी के पहले जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी की चौकी का आयोजन श्री कष्ट निवारण बालाजी बाजार शेखा जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायक दीपक सरगम एंड पार्टी और श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर के प्रधान एवं विधायक रमन अरोड़ा ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गीता, रितिका, सनी, अंजू, सुनीता, विजय, सोनू, मोनिका, रिम्पी, गौरी, राहुल जिंदल, मनीष, मनु, मोहित, बंटी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। अज जो कि साड़ी छोटी गुड़िया का जानवी का जन्मदिन सीगा, उदे विच इत्थे साडे जो बालाजी का
मंदिर साडे एम एल ए साहब साडे भरा रमन अरोड़ा जी की कृपा दे नाल इत्थे जो कीर्तन कराया गया उहदे विच सारिआं ने आनंद लिया और लंगर भी लगाया गया। अज असी इत्थों अपने वालों रमन अरोड़ा जी नूं साडे वड्डे भरा पाऊ शीतल बेद जी उन्होंने आना सी कोई मीटिंग करके आ नहीं पाए आशीर्वाद लैण लई। अज इत्थे असी आण नूं सारिआं नूं विक्की जिंदल और इन्हां दी सारी टीम नूं लख लख बधाई दिंदे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर पुलिस ने गत दिनों हुई नर्स की हत्या के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए हुई थी मुलाकात। जालंधर पुलिस ने स्नैचिंग के दौरान हुई महिला की मौत के मामले को किया हल। दो आरोपियों को किया काबू। स्पेशल टास्क फोर्स ने जेल में नशा सप्लाई करने वाले एक सरकारी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। Yeah.